नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेस्लिप कैसे डाउनलोड करें। पेस्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाकर गूगल में आपको सर्च करना है पे मैनेजर। सर्च रिजल्ट में पे मैनेजर की ये साइट आपके सामने आ जाएगी खुलकर। इसे ओपन करेंगे। ये पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर वाले बॉक्स में आपको आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो डालनी है। नीचे वाले बॉक्स में आपको अपनी पासवर्ड डालना है और सबसे नीचे वाले जो कॉलम है इसमें आपको ये कैप्चा डालना है। नीचे बहुत सारे चेक बॉक्स बने हुए हैं, इनमें से आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे एक ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड का, यहाँ आप क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और पूरी जानकारी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं अपने आईडी पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करता हूं। आईडी पासवर्ड और कैप्चा सारी डिटेल मैंने फिल कर दी है, एम्प्लॉय को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद एक OTP का पॉपअप खुलकर हमारे सामने आएगा, उसमें आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। ये एक पॉपअप हमारे सामने आ गया, इसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और सेंड OTP लिखा हुआ है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो एक OTP हमारे पास आएगा, वो OTP हमें फिल करना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। OTP हमारे पास आ चुका है, हमने फिल कर दिया है, अब सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने पर ये पेज खुलकर हमारे सामने आ गया। अब आपको मैं बताता हूँ, अगर आप ये चीज़ अपने मोबाइल में खोल रहे हैं तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉय कॉर्नर है जो ऊपर लिखा हुआ, इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। इसको कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू ऑप्शन खुलकर हमारे सामने आ जाएंगे। अब पेस्लिप डाउनलोड करने के लिए फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है एम्प्लॉय रिपोर्ट, इसे कंटिन्यू और प्रेस करके रखना है। इसे कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑप्शन आ गया पर्सनल डिटेल, लास्ट पे सर्टिफिकेट और पेस्लिप मंथ वाइज तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है। अब यहाँ आपको कंटिन्यू प्रेस नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये पेज खुलकर हमारे सामने आ गया पेस्लिप का। यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, कौन से मंथ की पेस्लिप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे हम फरवरी सेलेक्ट कर लेते हैं, और कौन से ईयर किसी भी ईयर की आप निकाल सकते हैं, जो जिस ईयर की आपको जिस मंथ की चाहिए वो। तो फरवरी 2023 सेलेक्ट है, यही सेलेक्ट रहने देते। आप 21, 22, 2020 किसी भी ईयर की निकाल सकते हैं, तो फरवरी 2023 सेलेक्ट। अब आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी पेस्लिप डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।